उटीप सेरी रूट पर नियमित बस सेवा न मिलने से खपा ग्रामीणों ने प्रशासन व एचआरटीसी प्रबंधन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। गुस्साए ग्रामीणों व विद्यार्थियों ने मंगलवार को सेरी गांव के समीप चक्का जाम कर निगम की बस को बीच रास्ते में ही रुकवा दिया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर बैठकर प्रशासन व निगम प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मौके पर एक और बस भेजी गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और वे बसों में बैठकर चंबा पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों में सोनी राणा व संजीव कुमार ने बताया कि निगम प्रबंधन की मनमानी के कारण लोगों को रोजाना दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। प्रबंधन द्वारा इस रूट पर सुबह व शाम को नियमित रूप से बसें नहीं भेजी जा रही है। अक्सर शाम के समय चंबा से दो बसों की जगह एक ही बस भेजी जाती है, जिसके कारण सुबह चंबा की ओर जाने वाली एकमात्र बस में ओवरलोडिंग होती है। मार्ग जगह जगह से तंग है और बस में हो रही भारी ओवरलोडिंग बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई बार प्रशासन व निगम प्रबंधन को इस समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन अब तक परिणाम शून्य ही निकले हैं। मंगलवार दोपहर सभी ग्रामीण एकजुट होकर एसडीएम नवीन तंवर के पास पहुंचे और उन्हें समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। का बड़ी कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। सेरी उटीप पर 9 बजे बस जाती थी, वो भी बंद हो चुकी है। उसके लिए हमने आरएम सर से और नीचे अड्डा इंचार्ज से बड़ी बार बात करी, पर उन्होंने हमारी बातों पर जरा भी गौर नहीं करा। फिर आज मजबूरन हमें बस जो थी वो सेरी में ही खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि सवारियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि बस को ले जाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए हमें जो था वो एसडीएम सर को कॉल करनी पड़ी, उसके बाद सेरी पर जो थी वो बस आई। हम एसडीएम सर से मिले अभी, तो उन्होंने बोला कि आपके रोड पर जो 9 बजे बस चलती थी वो हम दोबारा से शुरू कर देंगे। अगर आपकी बस जो है वो नहीं आती है तो आप हमें कॉल करके बोल सकते हो, हम दोबारा से उनको कॉल करके आपकी बस जो है वो शुरू कर देंगे। बात और बहुत ही लोग बहुत होते हैं, तो उनसे प्रशासन से रिक्वेस्ट है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बस लगाई जाए जो शाम को सेरी जाती है 6 बजे बस, वो सुबह 8 बजे सेरी से चले, ताकि हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। और जो 9 बजे बस आती थी सुबह वो भी चले, ताकि हम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सर ये रिक्वेस्ट है हमारी सर। बस हाँ, चक्का जाम नहीं करना पड़ा हम सब स्थानीय लोगों को, और क्योंकि सारे जो है कम से कम कोई 100-150 सवारी थी वो बस पे, तो ड्राइवर साहब से हमने बात की, वो बोल रहे हैं कि भाई हम बस आगे नहीं जाएगी क्योंकि सवारी ज़्यादा होने के कारण बस नहीं जा सकती। तो हम एक्चुअली हमें कह के बस से उतरना पड़ा और दूसरी बस मंगवानी पड़ी, और एसडीएम साहब को कॉल करके हमने दूसरी बस मंगवाई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र के रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम स्टोरी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।